सो आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसी गेम्स बताने वाला हूँ, ऐसे दो तीन गेम्स बताऊंगा जिसे जो आपने बचपन में खेला होगा, और इन गेम्स को खेलकर जो है आप अपने बचपन की जो पुरानी यादें हैं उसे फिर से ताज़ा कर सकते हो। सो अभी का तो जो मौसम है वो फ्री फायर एंड पबजी का है, ऑनलाइन गेमिंग का ज़माना चल रहा है, हर कोई फ्री फायर पबजी सीओडी इन गेम्स में जो है लगा हुआ है। लेकिन फिर भी यार, अगर आप अपने बचपन को याद करना चाहते हो तो इन गेम्स को भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। फर्स्ट है स्नैक गेम, जिसे तो मैंने बचपन में बहुत ही ज़्यादा खेला है। जब मेरे पापा के पास से ये नोकिया का पहले कीपैड वाला मोबाइल होता था तो मैं चुपके चुपके लेकर बहुत ही खेलता था उनके मोबाइल में। हो सकता है कि बहुत से लोग ना भी खेले हों क्योंकि उनके पास डायरेक्ट एंड्रॉयड का मोबाइल आया हो, या फिर जो है डायरेक्ट जो है आप कोई बड़ी सेट वाले मोबाइल पकड़ते हो। लेकिन जो है मैंने इसे बचपन बहुत खेला, बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा इस गेम को मैंने खेला है। तो इसे भी आप खेल कर देख सकते हो। इसमें भी आपको तीन टाइप्स के लेवल मिल जाते हैं इस स्नैक्स वाले गेम में। पहला क्लासिक मोड होता है जिसमें जो है आप गेम खेलोगे तो कोई भी दीवार नहीं रहता है, अपने सांप को जहाँ सकते हो घुमा सकते हो। उसके बाद एक मॉडर्न टाइप का लेवल होता है जिसमें जो है आप दीवार वीवार रहता है वगैरह, आपने डिफरेंट टाइप्स के लेवल मिलते हैं उसके अंदर ही। साथ ही एक कंपेन का ऑप्शन मिलता है जिसमें जो है सभी तरफ बॉर्डर होती हैं। तो इस तरह सो नेक्स्ट जो गेम है वीडियो गेम, जो कि बिल्कुल वीडियो गेम की तरह दिखता है, साथ ही इसका लुक भी जो है वीडियो गेम की तरह ही रखा गया है। साथ ही साउंड की बात करें तो साउंड भी वीडियो गेम में जो पहले आता था उसी साउंड को इसमें डाला गया है। साथ ही इसमें आपको जो है 19 गेम मिल जाएंगे, मतलब एक वीडियो गेम तो इंस्टॉल करोगे साथ ही इसके साथ 19 गेम मिलेंगे जो कि पहले आती थी उसी टाइप से ही मिल जाएंगी। जैसे कि स्नैक वाला भी इसमें भी आपको मिल जाएगा, सांप वाला, साथ ही डिब्बे वगैरह एडजस्ट करने के, और भी जो इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे गेम्स, आप इसे खेल के देख लेना। एंड जो है कंट्रोलिंग के लिए वही बटन का सिस्टम इसमें भी रखा गया है, एक बड़ा बटन रखा गया है, साथ ही चार लेफ्ट राइट के लिए रखा गया है, साथ ही ऊपर में मेनू के लिए रखा गया है, वॉल्यूम म्यूट करने के लिए और भी रखा गया है। तो इस गेम को भी खेल कर देखना, बहुत ही अच्छा लगता है। जो आप पहले वीडियो गेम्स खेलते थे उसकी यादें जो है आपकी ताज़ा हो जाएंगी। तो लास्ट गेम है बॉन्स बॉल, जो कि नोकिया के पहले पुराने मॉडल्स के जो मोबाइल थे, इस गेम को भी सांप वाले मोबाइल है मतलब सांप वाले जो गेम्स आता था उसके साथ इसे भी दिया जाता था खेलने के लिए, इस गेम को भी दिया जाता था उस मोबाइल में। इस गेम में जो है आपको एक बॉल होता है जिसे कंट्रोल करने के लिए आपको तीन बटन दिए जाते हैं, लेफ्ट राइट और एक अप का बटन, इसके थ्रू जो है इसे आप कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसमें आपको डिफरेंट टाइप के लेवल मिलते हैं जिसमें जो है आपको पार करना रहता है, एंड कुछ डिफिकल्ट लेवल भी आपको इसमें मिलते हैं। इसमें जो है आपको कुछ स्टार वगैरह या फिर जो है कुछ गोल्ड कह लो उसे आपको कलेक्ट करना रहता है, उसे इस बॉल से टच कराना रहता है। इन लेवल को क्रॉस करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है इस बॉल को मेंटेन करना पड़ता है, उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। गाइस, इन तीन गेम थे जो बचपन में बहुत ज़्यादा खेले थे मैंने, और इन गेम्स को आप भी कमेंट्स करके बताना कि इन गेम्स में से आपने कौन सी गेम खेली है। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को भी सिलेक्ट कर लीजिए।